हेलो एवरीवन, आज हम बनाएंगे इजी सिंपल और आलसी रेसिपी टमेटो राइस। ये बनाना बहुत आसान है और बहुत टेस्टी लगते हैं। यहाँ पे मैंने टमेटो की प्यूरी बनाने के लिए टमेटो को बॉईल नहीं किया है, उसे रोस्ट किया है। अगर आपको कढ़ाई में रोस्ट करने में ज़्यादा टाइम लगे तो आप इसे डायरेक्ट बर्नर पे भी सेक सकते हैं। हम सारे मसाले भी रोस्ट कर लेंगे। मैंने यहाँ पे लिया है जीरा, तेजपत्ता, चक्रफूल, बड़ी इलायची, दालचीनी, छोटी इलायची, लौंग और काली मिर्ची। इन सब की क्वांटिटीज डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिखी हुई है, आप वहाँ से देख सकते हैं। अब हमें इन सारे मसालों को रोस्ट करना है, फिर हम इन्हें पीस लेंगे। अगर रोस्ट करने में आपको दिक्कत हो तो आप इसमें थोड़ा सा नमक ऐड कर सकते हैं, इससे इन्हें रोस्ट करना आसान हो जाता है। अब हम इसे पीस लेंगे। टमाटर भी अब ठंडे हो चुके हैं, हम इनका बाहर का छिलका उतार के इन्हें पीस लेंगे। टमेटो को ऐसे रोस्ट करने से पुलाव में स्मोकी फ्लेवर आता है, जो बॉईल करने से नहीं आ पाता। सबसे पहले एक कढ़ाई में 2 चम्मच तेल लेना है, उसमें जो हमने मसाला प्रिपेयर किया था वो डालना है, और इसमें अदरक, लहसुन और हरी मिर्च डालनी है। अब हमें इसे अच्छे से रोस्ट करना है, फिर इसमें लंबे लंबे कटे हुए 2 प्याज डालने हैं। प्याज को हमें कच्चा नहीं छोड़ना, इन्हें पूरा सॉफ्ट होने तक पकाना है। फिर इसे पकने के बाद इनमें मसाले डालने हैं। मैंने यहाँ पे ली है लाल मिर्च, धनिया, हल्दी, चाट मसाला और नमक। नमक हमें बिल्कुल थोड़ा सा डालना है, क्योंकि जो हमने मसाला प्रिपेयर किया था उसमें भी नमक डाल दिया था। अब प्याज अच्छे से भुन चुके हैं, तो अब हम इसमें डालेंगे टमेटो प्यूरी। आप चाहें तो और वेजिटेबल्स भी डाल सकते हैं, मैंने नहीं डाले क्योंकि ये एक आलसी रेसिपी है। अब हमें इसमें 1 नींबू का रस डालना है और इसे मिक्स करना है। इसके बाद हमें इसमें उबले हुए चावल डालने हैं। मैंने यहाँ पे 1 कप चावल उबाले थे, उबालते हुए मैंने नींबू डाला जिससे मेरे चावल एकदम खिले खिले बने। अब हमें चावल को एकदम हल्के हाथों से मिक्स करना है। ये मेरी वीडियो की स्पीड ज़्यादा है, मैं इतनी ज़ोर से चावल नहीं मिक्स कर रही। हमें इन्हें बिल्कुल हल्के हाथ से मिक्स करना है, जिससे चावल टूटे ना और खिले खिले ही रहें। अब हमारे स्मोकी टमेटो राइस रेडी हैं। आप इन्हें दही और सैलेड के साथ सर्व कर सकते हैं। ये दही के साथ बहुत टेस्टी लगते हैं। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब, और मुझे प्लीज़ सपोर्ट करिए। बाय बाय।